वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक फैशन ब्यूटिक। आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2015-2016 में आईटीआई अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे। 6 साल के बाद 2021 में प्रशासन ने इसका परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये समाचार प्रमुखता से 11 नवंबर 2021 को प्रकाशित हुई, दैनिक जागरण में और दैनिक हिंदुस्तान के अखबार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें लिखा ही है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों की भर्ती अब इंटरव्यू की जगह लिखित परीक्षा से कराएगा। इसके लिए 2 विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिए जा चुके हैं। आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2015 के विज्ञापन में 28 व्यवसायों के कुल 559 और वर्ष 2016 के आवेदन में 30 व्यवसायों के 293 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। आयोग की उप सचिव प्रियंका सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा में गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अनुदेशक भर्ती के लिए परीक्षा योजना व कोर्स आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा भाग एक में विषयगत ज्ञान प्रश्नों की संख्या 60 होगी और ये 60 अंक के होंगे। भाग दो में सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 40 होगी और इसका अंक जो है 40 अंक का होगा। यानी कुल परीक्षा जो है 100 मार्क्स की है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2016 की विज्ञप्ति है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जो 2016 को हुई थी, जिसका परीक्षा अभी निकट भविष्य में होने वाला है। इसको आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए जो है, विभाग का नाम है महानिरीक्षक कारागार, कारागार प्रशासन सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें जो अनुदेशक का पद है वो है चमड़ा कार्य, एक्सरे टेक्नीशियन। राज्य अनुदेशक, अनुदेशक सिविल कार्य, अनुदेशक पावरलूम मशीन, अनुदेशक ड्राइंग एवं पेंटिंग, अनुदेशक बुनाई, अनुदेशक साबुन फिनाइल, फार्मेसिस्ट कंपाउंड, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक शरीर क्रिया विज्ञान, फिर देखिए है निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, फिजियोथेरेपिस्ट, सिनेमा ऑपरेटर, ये सब आप देखते जाइए। जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश महानिरीक्षक है, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ, महिला पद की संख्या 2 है। फार्मासिस्ट आप आइए, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब 2013 की वैकेंसी है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अनिवार्य अर्हता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए,
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य होनी हो किसी फिर आप ये देखिए जो अनुदेशक का जो पोस्ट है ये अनुदेशक बुनाई देखिए आप ये अनुदेशक बुनाई देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा से संपन्न मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा उसके संपन्न मान्यता प्राप्त किसी संस्था के टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। फिर आप ये भी देखिए ये सब अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं दी हुई है। फिर एक और जो महत्वपूर्ण पद है वो क्राफ्ट प्रशिक्षक देखिए क्या लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और दूसरा देखिए किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त ITI से संबंधित व्यवसाय एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने 2015-2016 में वैकेंसी भरी थी उसके लिए एक और चीज़ है जो हवलदार इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है आप ये देख रहे हैं जो हवलदार इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है इसमें पुरुष सामान्य पुरुष प्रवृत्ति अनुसूचित जाति महिला सबकी ऊंचाई भी योग्यता पूरा करना अनिवार्य है। फिर आप और देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस प्रकार आप धीरे धीरे सभी देखते जाइए ध्यान से देखिए विज्ञप्ति बहुत ही पुरानी है 4 नवंबर 2016 की है ये 4 नवंबर 2016 की विज्ञप्ति है ये जिसकी परीक्षा 2021 में होने की संभावना है ये इसका आदेश जारी हो चुका है। मैं आपको अगली वीडियो में 2015 की विज्ञप्ति है जो ITI इंस्ट्रक्टर है मैं उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देख लीजिए उन्होंने दे रखा है जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा फिर देखिए क्या दे रखा है 28 वैसा में 559 और 30 वैसा में 293 के लिए विज्ञापन प्रसंग ऑनलाइन आवेदन किए गए थे जिसका November 12, 2021 को दैनिक जागरण में डिटेल में दिया गया है उसके बारे में वही है ये समाचार। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें पूरा सिलेबस क्या क्या परीक्षा में आने वाला है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं परीक्षा 2 भागों में होने वाली है भाग 1 भाग 2 भाग एक जो है सामान्य ज्ञान है विषयगत ज्ञान है और भाग 2 सामान्य ज्ञान है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, देखते जाइए सिलेबस धीरे धीरे देखते जाइए, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ इसको। अंग्रेजी के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी देख रहे हैं आप, जो पहला है, फिर दूसरा देखिए आप, ये देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा देखिए MSW है, फिर देखिए MS Excel है, फिर देख रहे हैं ईमेल बनाना, वेब ब्राउज सर्च इंजन है, मोबाइल एप्लीकेशन QR कोड AR कोड को स्कैन करना, वाईफाई का, इस पर प्रश्न आएंगे। ये 10 मार्क्स जो है वो आप देखिए पर्यावरण पर है, 10 मार्क्स देखिए आप पर्यावरण पे आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए जो लॉ एक्ट है ना, जो लॉ किसके, लेबर लॉ जो है, LABO लेबर लॉ है, उसके बारे में 20 क्वेश्चन का है, ठीक है ना। जो बच्चे CTS पढ़े हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे CTS पढ़े हैं एम्प्लॉयडी स्किल में, उनको ये सब मालूम है। फिर यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का ये है क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद आप फिर देखिए आप, फिर 40 मार्क्स का सामान्य ज्ञान है, ये 40 मार्क्स का जो सामान्य ज्ञान है जो है किस किस प्रकार से तोड़ा गया है, ध्यान से धीरे धीरे सिलेबस देखते चले जाइए आप। जरा आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, जो उप सचिव हैं प्रियंका सिंह, इनकी डेट जरा देखिए 11/11/2021 को है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जल्दी ही नवंबर या दिसंबर के 2021 में इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ये संभावना इसलिए बन गई है, ये संभावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में UP का इलेक्शन होने वाला है, इससे पहले पहले ये एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। हुँ.